सीढ़ी देख रहे हैं, स्पेशली जब 15 अगस्त होता है तो इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए जो झंडा तोलन होता है इसी के ऊपर होता है, इसी से होते हुए ऊपर जाना होता है। और यहीं से 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं झंडा तोलन करते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं लाहौरी गेट, और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो लहरा रहा है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। और यकीन मानिए हम लोगों को 1 घंटा लग गया यहाँ पे टिकट बुक करने में। तो आप जब भी यहाँ पे आएँ तो ऑनलाइन बुक माई शो से इस किले का टिकट बुक कर सकते हैं, जिस पर आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी है। ऐसे आप पर पर्सन 80 रुपये हैं, लेकिन जब उसके ज़रिए आप करेंगे तो आपको सिर्फ 56 रुपये देने होंगे। देख सकते हैं दोनों साइड पे यहाँ पे दुकानें हैं। और ये जो दुकान है जो इसके ऑनर है बहुत ज़माने से यहाँ पे है, और कहीं पे हमने पढ़ा था कि जो इसका रेंट है बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ता रेंट है यहाँ पे। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये स्पेशली खोला गया था लाइटिंग के लिए, इसको खोला गया था। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है कि बीच में एक ऐसा जगह दिया गया जिससे कि लाइट को पूरी तरह लाइट अंदर आ सके। और देख रहे हैं यहाँ पर भी काम लगा हुआ। ये जो भी डिज़ाइन देख रहे हैं साथियों, ये डिज़ाइन है ये ख़ास करके जो फूल होता है उन फूलों के रस से बनाया हुआ डिज़ाइन है। और उसी से इसको अंदर में आप देख रहे हैं कि रंगीन जो भी ग्रीन और रेड है ये प्योर फूलों का रंग के यहाँ पे साथियों यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं दोनों तरफ गेट भी है, जो सीढ़ियों का सीढ़ी है दोनों तरफ। दोनों गेट को देखा है आप, लेकिन अभी इसको बंद कर दिया गया है। देखिए दोनों तरफ गेट है, ये ऊपर जाने के लिए था। आप देखिए साथियों अंदर, जब अंग्रेज़ों ने इस किले के ऊपर कब्ज़ा किया था तो उन्होंने अपना गुस्सा दिखाने के लिए कहें आप, या जो भी इस किले में बहुत तोड़ फोड़ की थी, सारे फर्नीचर को नष्ट कर दिए थे, बहुमूल्य जो कीमती चीज़ें थी उसको लूटपाट किया था और ब्रिटेन ले गए थे। तो ये जो भी हिस्सा देख रहे हैं ये 1857 के बाद जो ब्रिटिश काल में ये सारा जो है आप देख रहे हैं इसको बनवाया गया था। साथियों जब 1857 में उन्होंने इस किले के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था तो बहुत सारी जो अंदर की जो इमारतें थी उसको नष्ट करके इन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई थी। उन्हीं बिल्डिंगों में से ये सारी बिल्डिंग है। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़माने तक यहाँ जो आर्मी कैंप है, आर्मी यहाँ रहती थी, लेकिन 2007 के बाद से जब ये वर्ल्ड हेरिटेज में आ गया तो यहाँ से आर्मी को हटा दिया गया है। और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि इस किले को वर्ल्ड हेरिटेज में रखा गया है। आप सामने की भी जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो भी ब्रिटिश की बनाई हुई है। तो चलिए साथियों अभी हम लोग लाल किला के अंदर हैं, और ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं, पूरा कंपाउंड देख रहे हैं, जब ब्रिटिश काल यहाँ पर इस किले के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था, बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून भेज दिया था, वो इसी लाल किला से कैद किए गए थे और उनको फिर रंगून भेज दिया गया। तो ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं इसको ब्रिटिशों ने अपने हिसाब से बनाया था। और यहाँ पर आप जो भी है म्यूज़ियम में आपको कुछ मुग़ल की और कुछ जब वो 1857 की बहुत सारी चीज़ें हैं, आज़ादी की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इस म्यूज़ियम में रखी हुई है। तो चलिए उसको भी आपको दिखाते हैं। हम हमारे पास वक्त तो कम है, लेकिन हम लोग कम समय में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ देखिए साथियों, आप जो भी यहाँ पे नाम देख रहे हैं जो भी शहीद हुए थे उन सारों का नाम यहाँ पे दर्ज है। ये अपने आप में एक गर्व की बात है। ऐ शहीद मुल्क और मिल्लत तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत को चला गैर की महफिल में है। तो ये सारा नाम यहाँ पे दर्ज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन भी लगी हुई है। जो भी यहाँ शहीद हैं उनकी एक पूरी लिस्ट यहाँ पे रिले हो रही है, जिसको आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ से आप उन जो शहीद फैमिली है उसको आप ट्रिब्यूट भी कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं डिजिटल ऐप के द्वारा। और जो भी नाम है जितने शहीद लोग हुए हैं यहाँ पे आप सबका नाम देख सकते हैं। चलिए, जो हमारी टीम है ससराम एक्सप्लोरर सारे शहीदों को सलाम अर्ज़ करती है, उनको याद करती है, उनको नमन करती है। तो अंदर साथियों आएंगे तो काफ़ी मध्यम लाइट में एक खूबसूरत, आप देख सकते हैं इन दीवारों पर भी एक हल्की लाइट से के साथ सारी चीज़ों को दिखाया गया है। उन्हीं ब्रिटिशों के बनाए हुए इस कमरे में जो हमारे सैनिक हैं उनको याद किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जालियांवाला बाग का आपका दृश्य आपके सामने है। आप देख सकते हैं साथी ये तोप को देख सकते हैं आप। तो सारी चीज़ों को अपने हमारे देश के जो भी शहीद हुए हैं आज़ादी के इसमें उसको यहाँ पे क़ैद कर दिया गया है। तो ये पूरा जो कंपाउंड है अभी उन्हीं शहीदों को नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जेल भी है, उसमें भी आपको ले जाने की कोशिश करेंगे अभी हम कि किस तरह से हमारे जो देश के जो वीर जवान होते थे उनको यहाँ पर क़ैद भी किया जाता था। तो आइए उस तरफ भी चलते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे एक जेल नुमा है, जेल भी बनाया गया है। ये साथियों आप देख सकते हैं ये जो अंडमान निकोबार का एक जेल था, सेलुलर जेल, उसकी एक झलक यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो देश के लिए मरते थे उनको किस तरह से क़ैद किया जाता था। तो उसकी एक छोटी सी झलक है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जंजीर, उनसे उनके हाथ पैर को क़ैद कर दिया जाता था। आप देख रहे हैं इस दोनों दीवार के दोनों तरफ कोड़ा रखा हुआ है, उन कोड़ों से उनको पीटा जाता था, उनको मारा जाता था। और उसी के साथ फिर अंदर जाएंगे तो उनके ड्रेस को भी दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इस तरह का टाट और बुरों को कपड़ा पहनाया जाता था उनको। यहाँ पर भी है, इन हथकड़ियों से उनके हाथों को क़ैद कर दिया जाता था। और जेल में आप देख सकते हैं बैठने के नाम पे जो एक बेंच है, इस बेंच को भी दिखाया गया है। ये सिर्फ एक बेंच होती थी, मतलब बहुत ही दुख दिया जाता था, काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था। और लेकिन उनके जज्बों को नहीं वो झुका पाएँ और आखिरकार हमारा जो देश है वो आज़ाद हो गया। तो फिर से जो हमारा पूरा चैनल है उन सारे शहीदों को नमन करता है, उनको याद करता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरा स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि किस तरह दिल्ली से जो भी संग्रामी होते थे उनको किस तरह से क़ैद करके ले जाया जाता था अंडमान निकोबार। स्वतंत्रता सेनानियों का मनोबल तोड़ने के लिए उन्हें जिस तरह की यातना दी जाती वे यातनाएं देखिए साथी, सामने में एक ड्राइंग करके दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह हिंदुस्तान के कोने कोने से जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे उनको जो सेलुलर जेल है अंडमान में ले जाया जाता था। आप देख सकते हैं कराची, मद्रास, कोलकाता, तो सारे लोगों को वहीं पर ले जाकर कैद किया जाता था। और कराची से भी लोगों को ले जाया जाता था। और मेरे ख़्याल से जो दिल्ली का एरिया है, जो दिल्ली से जो भी लोग थे उनको कलकत्ता से शिप के द्वारा अंडमान निकोबार ले जाकर प्रताड़ित किया जाता था। यहाँ पे देख सकते हैं साथियों बहुत बड़े वीर हैं, बहुत बड़े शेर अली, उनके बारे में पूरा दिखाया गया है किस तरह अंडमान निकोबार में उनको पहुँचाया गया था, वहाँ पे उनको सज़ा दी गई थी। उनके बारे में भी एक छोटा सा जिक्र है यहाँ पे। आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार में किस तरह से ले जाया जाता था उस नाव को भी दिखाया गया है। इस तरफ आप आएँगे तो देख सकते हैं ये अंडमान निकोबार का बहुत ही पुरानी पिक्चर है। वहाँ पे क़ायदी देखिए बाहर में है, उनको भी दिखाने की कोशिश की गई है। और इस तरफ आएंगे विनायक दामोदर सावरकर जी, इनके बारे में भी एक छोटा सा संक्षिप्त है कि किस तरह से अंग्रेज़ों से उन्होंने लोहा लिया था। देखिए अंग्रेज़ों के जो निहत्थे के ऊपर जो गोली चलाई थी, जिसको आप याद कर सकते हैं पंजाब का जालियांवाला बाग, उसको भी दिखाने समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे देखिए जितनी रियासत है उसको दिखाया गया है। इस तरफ देख सकते हैं अलवर की रियासत है, इस तरफ निज़ाम हैदराबाद की रियासत को दिखाया गया है, इस तरफ कश्मीर रियासत को दिखाया गया है, इस तरफ तावड़कर रियासत को दिखाया गया है। तो जितनी रियासत थी, जो फ्रीडम रियासत थी, उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया गया है। ये जो कमरा है, ये जो हॉल है, यहाँ पे जो हमारे आपको जो तीन बहुत ही पॉपुलर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, राजेंद्र नाथ लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, उनको पीछे भी दिखाएं, कैसे उनको फांसी दी गई थी, उसको यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो चल रही है, उसको दिखाने की समझाने की कोशिश हो रही है। तो सारे लोगों को हम लोग याद करते हैं और याद जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, ये अजर अमर रहेंगे। और ये देखिए पेपर है, ये देखिए पेपर है, उस ज़माने का जो भी पेपर है, किस तरह की न्यूज़ आती थी, उसको भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गई है। तो व्यूवर्स, जब भी आप लाल किला आएँ, म्यूज़ियम घूमने ज़रूर आएँ। जब म्यूज़ियम घूमने आप आएंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट, किस तरह से हमारे जो आज़ादी के जो परवाने थे, जो आज़ादी के दीवाने थे, किस तरह से उन्होंने हमारे मुल्क को आज़ाद किया है, तो उसको एक समझने का आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा, उनको जानने का बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। तो आप जब भी आएँ यहाँ पे ज़रूर आएँ, वक्त निकाल के, आपको बहुत कुछ देखने को, सुनने को मिलेगा। बाबा रामचंद्र, यहाँ पे देखिए क्या है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटर है। ये लेटर जो है, आज़ादी के जो हमारे दीवाने हैं, परवाने हैं, इन्होंने किस तरह से लेटर उस ज़माने में लिखा था, अपने मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह किस तरह से लिखा था, उसकी यहाँ पे जो अवशेष हैं उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और ये लेटर बहुत पुराने हैं और इसको हिंदी में भी दिखाया गया है, इंग्लिश में भी है और संस्कृत भाषा में भी है, इंग्लिश में भी है। तो यहाँ ये भी देखिए एक पेपर है, पेपर का ये भी पुराना पेपर है। पुराने पेपर में देख सकते हैं द इंडिया है, द हिंदुस्तान टाइम्स है, ये उर्दू मामले हैं, इमारत है। ये बहुत पुराने पेपर जो अभी बहुत सारे बंद हो चुके हैं। ये देखिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, उनको दिखाने की कोशिश की गई है, यहाँ पे उनका क्लिप चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं सुभाष चंद्र बोस के वक्त के, उन सबको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। चलिए ऊपर, अभी हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और ये पूरा जो भी बिल्डिंग्स है आसपास की, बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी, सबको म्यूज़ियम में, संग्रहालय में कन्वर्ट कर दिया गया है। बहुत खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए रामधारी सिंह दिनकर जो बिहारी से हैं, इन्होंने कितना अच्छा लिखा है। जो चढ़ गए पुण्य देवी पे लिए बिना गर्दन के मोल, कलम आज उनकी जय बोला। तो ये इनकी बात बिल्कुल सही है, जब तक दुनिया रहेगी इनको याद किया जाएगा, इनको सलाम किया जाएगा और हम सब इनके शुक्रगुज़ार हैं, जिनकी वजह से आज हम खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं। देखिए सारे मार्गदर्शक हैं जिन्होंने फ्रीडम फाइटिंग को राह दिखाई, रास्ता बताया और आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद है। ये देखिए भारत माता को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है कि जो हिंदुस्तान है इससे भारत माता भी कहा जाता है, कि उनकी प्रतिमा लगाकर उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे जो शहीद बच्चे हैं, जैसे बाजी राउत, किशन सिंह, नंदिनी गांधी, ये बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे थे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो उनके पैरों के कह सकते हैं कदमों को दिखाया गया है कि वो भी स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, किस तरह कुर्बान किया, उनकी पूरी छोटी मोटी स्टोरी भी है। तो जब यहाँ पे आएंगे फिनान से तो सबको पढ़ने की कोशिश करें। ये देखिए शांति घोष है, ये 15 वर्ष की आयु में इनकी उम्र थी और ये जो छात्र संगठन था उसकी वो हेड भी थी और इन्होंने जिला अधिकारी जो उस टाइम के थे, चार्ल्स जॉकी बैकलैंड की हत्या की थी। सोचिए इतनी कम उम्र में उनके अंदर इतना जुनून था कि उन्होंने उस टाइम के कलेक्टर को मार दिया था और फिर बाद में इनको कैद हो गई थी। चलिए ये जो पहला संग्रहालय है, म्यूज़ियम, इससे हम लोग बाहर आ चुके हैं। और इस तरह का जो भी ब्रिटिश काल में जो भी बनाई हुई इमारतें हैं सारे में म्यूज़ियम है। तो ये पहली म्यूज़ियम है। इस तरह क्रम में आगे बढ़ेंगे तो और भी म्यूज़ियम है। तो लगभग शाम के 4 बजे है, मौसम देख रहे हैं, बारिश का मौसम हो रहा है। तो मुझे उम्मीद कम है कि हम सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे, क्योंकि अभी मुझे अंदर भी जाना है। तो आप लेकिन जब भी आएँ वक्त के टाइम से अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आ जाएँ और सारे म्यूज़ियम को, सारे किलों को काफ़ी बारीकी और नज़दीक के साथ देखने समझने की कोशिश करें। और यहाँ पे आएँ तो पहले कुछ पढ़ लें आप, जिससे आपको यहाँ पे घूमने में काफ़ी आसानी होगी।